आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड, मेवा बाटी और गुलाब जामुन। सबसे पहले चाशनी बनाएंगे, जिसके लिए 2 कप चीनी, 1 कप पानी, 1 कप करके उबलने रखेंगे। चीनी को साफ करना हो उसके लिए 1 पिंच सैट्रिक एसिड, इससे चीनी भी साफ हो जाता है और चीनी जमती भी नहीं है। हाँ, ये कुछ गुलाब की पत्तियाँ हैं सूखी हुई, इसको हम पानी से धोकर डाल देंगे। कुछ पत्तियाँ डाल देंगे या पत्तियाँ नहीं हो तो नीचे उतार कर 2 से 3 ड्रॉप्स रोज एसेंस ले सकते हैं। देखिए चाशनी उबल रही है, इसे 5 से 7 मिनट और पकाएंगे। हल्का सा गाढ़ापन दिखे, ये अपनी चाशनी तैयार हो गई है। इसे कहते हैं 2 तार की चाशनी। मेवा बाटी प्लस गुलाब जामुन के लिए भी एक ही सामग्री है सब। ये हैं 8 पीस ब्रेड के, जिसके हम साइड से ब्राउन पीस निकाल देंगे। हाँ जी, किशमिश बचा कर बाकी को हम थोड़ा मोटा कूटना। ये अपना कुटा हुआ ड्राई फ्रूट, ये किशमिश मिला दें। यह है 8 से 10 पत्ती केसर की, 1 चम्मच दूध में भिगोई हुई करीबन 10 मिनट पहले। अब इसको भी मिला देना। ये हो गया ब्रेड का फिलिंग, जिसे कहेंगे मेवा। आप इसके बदले 150 ग्राम पनीर ले सकते हैं, खोया ले सकते हैं, उसमें अपन थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मिलाकर उसकी भी फिलिंग कर सकते हैं। ये ब्रेड के लिए 1 कप कुनकुना गरम किया हुआ दूध है। अब इसमें हम 1 चम्मच चीनी डाल देंगे। सबसे पहले ब्रेड को दूध में डिप कर दें, 1 से 2 पीस। सिर्फ 1 मिनट के लिए डालते जाना है दूध में। ये ब्रेड हम हाथ से निकाल देंगे, हल्के हल्के हाथ से इसे प्रेस करना है, जो एक्स्ट्रा दूध निकलना चाहिए। एक चम्मच फिलिंग भरें, इस तरह मिक्स करते हुए एक्स्ट्रा दूध निकालते जाएं। बाटी का आकार दें। ये तैयार हो गए अपना मेवा बाटी। अब इसी को अपन डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई के लिए कढ़ाई में घी से तल सकते हैं, चाहे तो आप रिफाइंड ऑयल से। अब हम बना रहे हैं ब्रेड के गुलाब जामुन। पूरा सामान वही था, बस फर्क इतना है कि दूध की मात्रा हमें थोड़ी कम लेनी है, जितना ब्रेड दूध सोख ले। यह है ब्रेड, 6 से 7 पीस ब्रेड। इस बाउल में डाल देंगे ब्रेड को, ऊपर से 1 कप दूध डाल देंगे और इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे।
5 मिनट के बाद हम ब्रेड को मिक्स कर देंगे और इसे प्लेन खोए की तरह तैयार करेंगे। ये ब्रेड और दूध दोनों को मिक्स किया है और इस तरह पूरा तैयार हो जाएगा, जैसे मावा होता है वैसे। चाहे तो आप इसमें भी फ्रेश पनीर कद्दूकस करके मिला सकते हैं। अब हम इसके बना रहे हैं छोटे छोटे गोले और बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से। साइज़ आपके हाथ में है, इससे बड़ा साइज़ रखें, छोटा रखें और बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसे गोल कर दे जाए। ये बन गए अपने गुलाब जामुन मेवा बाटी। अब इसे डीप फ्राई करना है। दोस्तों, लॉकडाउन चल ही रहा है, अब रक्षाबंधन भी आ गया है, तो घर बैठे बिना मावे के बनाए गुलाब जामुन 10 मिनट में। अब डीप फ्राई के लिए घी डाल दें। घी गर्म हो गया, अब हम इसमें डाल देते हैं मेवा बाटी। 2 से 3 पीस डाल दें। थोड़ा थोड़ा घी ऊपर से डाल दिया जाए और गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। ये हो गए अपने तैयार मेवा बाटी। ये हो गए गुलाब जामुन लाइट ब्राउन होने तक। ये चाशनी को हल्का सा गर्म करना है वापस। अब इसमें हम डालते जाएंगे मेवा बाटी प्लस गुलाब जामुन। दो मिनट चाशनी में डुबोए। ये हटाई से जा। ये हो गए गुलाब जामुन। ये वर्क लगाकर सर्व कर। ये हो गया मेवा बाटी, ये हो गए अपने गुलाब जामुन। इसको हम काट के भी सर्व कर सकते हैं। ऊपर से सिंपल रबड़ी, जिसकी रेसिपी हमने जीवन शैली में पहले भी शेयर की हुई है, रबड़ी के साथ इसे सर्व करें।